धन्यवाद के साथ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के मानना के लिए, जब हम लोग अपने अपने घरों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने जो अनोखी बातों को मेरे मन में दिया है, मैं आपके मध्य में रखना चाहूंगा। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं और मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूं, तो सचमुच मेरा मन आनंद से भर जाता है और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब मैं उन पक्षियों को देखता हूं आसमान में, बहुत ही प्यारे सुरीले शब्द से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उतना ही नहीं, जब मैं उन पौधों को देखता हूं, उन रंग बिरंगे फूलों को देखता हूं, मेरा मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो अपने सुंदर सुंदर चेहरों से अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वो इबादत करते हैं और प्रशंसा करते हैं। सचमुच जब हम उस परमेश्वर की तरफ देखते हैं व परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, अनोखी बातों को हम अनुभव कर पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये सच्चाई है, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर की अनोखी बातों को हम अनुभव कर पाते हैं। और आज इस समय में मैं आपको एक बात कह के उत्साहित करना चाहूंगा कि वी नीड टू सिट एट जीसस फीट। हमें यीशु मसीह के चरणों में बैठना है। और जब हम अपने दिनों को शुरुआत करते हैं, वो सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है जहां पर हम यीशु के चरणों में बैठ के उसके साथ संगति करके हम अपने दिनों को शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपके मध्य में एक बहुत ही सुपरिचित घटना को आपके मध्य में लेके आना चाहूंगा। लुका लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 41 और 42 पद को मैं यहां पर आपके मध्य में पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। What a wonderful Bible verse here we got। यहां पर इस कहानी को हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में उपस्थित थे। और इस कहानी में हम देखते हैं कि मार्था जो बड़ी बहन है, वो बहुत सारी घरों के कामों को करने में व्यस्त रहती है, लेकिन मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुन रही है। और इस अध्याय के अंतिम पद में प्रभु यीशु मसीह मरियम के लिए एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह चाहता है वी नीड टू सिट एट हिज फीट। उसके चरणों में हमें बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह उत्साहित करता है, क्योंकि वचन भी कहता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 2 पद, यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वो तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो रात दिन परमेश्वर की वचन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर मनन करता रहता है। प्रभु हमें मदद करे। जब हम अपने दिनों को शुरुआत करते हैं, हमें उसके चरणों के पास बैठ के हमें ध्यान मनन करना बहुत जरूरत है। यदि हम उदाहरण के लिए यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं, जब भी वो दिन को शुरू करता था, अर्ली मॉर्निंग में वो परमेश्वर के चरणों में बैठता था।
परमेश्वर के उस स्थान में उपस्थिति में बैठ के अपने आप को तैयार करता था कि मैं कैसे आज के दिन को आगे बढ़ाऊं। और वचन उस चीज को प्रमाणित करता है। हम लोग बहुत सारे आश्चर्य घटना को देखते हैं, जानते हैं उस दिन के आश्चर्य घटना को प्रभु यीशु मसीह करने से पहले वो अपने स्वर्गीय पिता को उन सारी बातों को करने के लिए परमिशन लेते थे और परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी प्रभु यीशु मसीह को बताते थे। हो सकता है तुझे आज एक अंधा मिल जाएगा जिसको तुझे चंगाई देना है। हो सकता है आज कोई एक मृतक व्यक्ति मिलेगा जिसको तुझे जिलाना है। हो सकता है कोई एक कोढ़ी तेरे पास आएगा जिसको तुझे चंगा देना है। हो सकता है कोई एक पापिनी स्त्री आएगी जिसको तुझे क्षमा करना है। यस, हर दिन जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को करना रहता था वो परमेश्वर के चरणों में बैठ के उस दिन के कार्य को करने के लिए वो अपने आप को समर्पित करते थे। मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस मनन में मैं आपको यही उत्साहित करता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के हमारे दिन को शुरुआत करना सर्वोत्तम बातें होता है। और उस दिन मरियम ने उस चीज को किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं हमें कौन सी बातें प्राप्त होती है? सबसे पहली बात है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं वी फाइंड पीस एट जीसस फीट। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हमें एक अनोखा शांति को प्राप्त करते हैं। कितनी सुंदर बातें पवित्र वचन में धर्मशास्त्र में लिखा है। मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28 पद में यहां इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हर समय हमें वो निमंत्रण देता है। वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। जो शांति तुम्हें जगत देता है उस प्रकार के शांति को नहीं, लेकिन मैं एक दैवीय एक स्वर्गीय शांति को दूंगा जिससे तुम आनंदित रहोगे, जिससे तुम्हारा दिन भरपूरी से आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हर समय हमें निमंत्रित करता है कि हम उसके चरणों में बैठे, हम उसके बातों को सुने, हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन कर पाए। और मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया था। दूसरी बात, हम क्या पाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं? वी विल रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं वहां पर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करते हैं। यस, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करने की बात होता है इसका अर्थ है पवित्र आत्मा के सारे दान हमारे जीवनों में दिखाई देता है। उस पूरे दिन भर में उस सारे आत्मा के फल को दूसरे लोग महसूस कर पाते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय का 22 पद उन सारे फलों को हम जानते हैं और यहां इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे फल हमें पूरे दिन भर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। वो आत्मा हमें सामर्थ देता है ताकि हम इस संसार के सामने एक प्रभु यीशु मसीह के कहलाए हुए व्यक्ति कहलाए जाए, एक विश्वासी कहलाए जाए। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम यीशु के चरणों में बैठते हैं वो प्रभु यीशु मसीह इन सारे दानों को, इन सारे फलों को हमारे जीवन में भर देता है। आगे हम देखते हैं जब हम यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं तो हमें कौन सी बातें प्राप्त होता है? वी विल एबल टू ओवरकम ऑन इविल। जब हम यीशु के चरणों में बैठते हैं वो प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है ताकि हम हर एक पाप के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक बुराई के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। आज यदि हम संसार को देखते हैं मेरे प्रिय मित्रों, ये सच्चाई है,
लोगों के पास कोई भी आशा नहीं है। लोग उस बुराई के ऊपर जय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, एंड दे क्विट, उनका जीवन समाप्त कर देते हैं। बहुत ही बुरा स्थिति आज हम संसार में पाते हैं, लेकिन हम जब यीशु के चरणों में बैठते हैं, वो यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है ताकि हम हर एक बुराई के ऊपर जय को हम प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय का 21 पद में बहुत ही सुंदर बात यहां पर लिखा है, कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और ये कब संभव होता है? जब हम यीशु के चरणों में बैठ के हम अपने दिनों को शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम अपने दिनों को यीशु के चरणों में बैठ के शुरुआत नहीं करते हैं, जानते हैं हमारा दिन वो बहुत ही गड़बड़ से शुरू हो जाता है। ये अच्छी बात है, इन दिनों में हम लॉकडाउन में है और मैक्सिमम टाइम हम लोग अपने घरों में है और मैक्सिमम समय शायद इन दिनों में हम प्रभु की उपस्थिति में दे रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने दिनों को यीशु के चरणों के साथ शुरुआत नहीं करते हैं, हमारा दिन में शैतान काम करना शुरू कर देता है। हो सकता है हम घर में बैठे हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे के साथ हम फोन से भी वार्तालाप करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा बातचीत किसी के खिलाफ में या चुगली करने में या किसी को निराश करने में या गड़बड़ी के काम को शुरुआत कर देता है। प्रिय मित्रों, जब हम उन दोनों बहनों के जीवन में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्था को साफ रीति से कहते हैं, यहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। एग्जैक्टली, जब हम यीशु के चरणों से हम अपने दिनों को शुरुआत नहीं करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों को चिंता करना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसी कार्यों को करते हैं जिससे हम अपने ईश्वर को, हमारे स्वर्गीय पिता को दुखित करते हैं। लेकिन मरियम का स्थान चुनना बहुत ही अनोखा था, इसलिए यीशु मसीह यहां कहते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो जिससे छीना ना जाएगा। हाँ मेरे प्रिय मित्र, जब हम उस उत्तम भाग को चुनते हैं, और वो उत्तम भाग क्या है, हम अपने यीशु के चरणों में बैठना सीख जाए, जब हम दिन को शुरुआत करते हैं उस परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए सीख जाए, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीख जाए, हमारा दिन आशीषमय हो जाएगा, हमारा दिन हर एक बातों में सफलता को प्राप्त करने के लिए मदद कर देता है। प्रभु हमें मदद करें इस वचन की गहराई को समझने के लिए, और लगातार हम कोशिश करें कि हम प्रभु के चरणों में बैठ के हम अपने दिनों को शुरू कर सकें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष से आशीर्वाद।